अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, इस वीडियो में ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में भाभी का किरदार अदा करने वाली अदाकारा सुनीता मार्शल की ज़िंदगी के हवाले से आपसे शेयर करूंगी। ड्रामा खुदा और मोहब्बत में काम करने की वजह से इनकी ज़िंदगी में कौन से चेंजेस आए, इनका और इनके शोहर का मुख्तलिफ मजाहब से तलक होने की वजह से किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके बच्चे किस मजहब से तलक रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते, तो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आपसे है रिक्वेस्ट वीडियो पूरी देखिए। लेकिन उससे पहले है छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें प्रेस। जी तो व्यूअर्स, अदाकारा सुनीता मार्शल 1981 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। सुनीता मार्शल वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। सुनीता मार्शल ने अपने करियर का आगाज एज ए मॉडल किया और मॉडलिंग की दुनिया में कामयाबी समेटने के बाद ये एक्टिंग की तरफ आई। ये अब तक बहुत से कामयाब ड्रामों में काम कर चुकी हैं। इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया जाता है। इसके अलावा ये बहुत से ब्राइडल शूट भी करवा चुकी हैं और म्यूजिक वीडियोस में भी काम कर चुकी हैं। सुनीता मार्शल की फैमिली ने कनाडा की सिटीजन के लिए अप्लाई किया और कनाडा की नेशनलिटी भी हासिल कर ली, लेकिन सुनीता मार्शल कनाडा शिफ्ट ना हुई। इनका कहना था कि इनके लिए इनका कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी शादी के हवाले से बात करें तो इनकी शादी मशहूर और मरूफ अदाकार और मॉडल हसन अहमद से हुई है। इनसे इनकी मुलाकात एक मॉडलिंग शो में हुई। हसन अहमद को सुनीता मार्शल बेहद पसंद आई तो इन दोनों में दोस्ती का आगाज हो गया और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। और जब इन्होंने शादी का फैसला किया तो दोनों खानदानों की तरफ से इनके मुख्तलिफ मजहब होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुनीता मार्शल का मजहब मसीह है और हसन अहमद मुसलमान है। हसन अहमद का कहना है कि इनकी वालदा सुनीता का मुख्तलिफ मजहब होने की वजह से काफ़ी परेशान थी, लेकिन इनके वालिद ने इनका भरपूर साथ दिया। सुनीता मार्शल ने हसन अहमद से शादी के वक्त ये शर्त रखी कि वो कभी भी इन्हें अपना मजहब तब्दील करने पर फोर्स नहीं करेंगे। हसन अहमद ने इस शर्त को खुले दिल से कबूल कर लिया और यूं दोनों की शादी हो गई। इनकी शादी इस्लाम और मसीह दोनों मजहब के मुताबिक हुई। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। इनके बच्चों का तलक मजहब इस्लाम से है। सुनीता मार्शल ने बताया कि इनके बच्चे नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। हसन अहमद का कहना है कि मजहब के हवाले से मेरे बच्चों को दादी सिखाती हैं। सुनीता मार्शल से एक इंटरव्यू में जब इनके बच्चों के हवाले से क्वेश्चन किया गया कि अब वो भी मसीह रसूमात अदा करते हैं, इन्होंने बताया कि वो चर्च नहीं जाते, लेकिन अगर घर में थोड़ी बहुत मेरी तरफ से सेलिब्रेशन हो तो उसमें जरूर शरीक होते हैं। ड्रामा खुदा और मोहब्बत में काम करने के हवाले से सुनीता मार्शल का कहना है कि इस ड्रामे में जब भाभी के किरदार की ऑफर हुई तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हीरोइन से भाभी का किरदार अदा करना थोड़ा मुश्किल था। इनका मजीद कहना है कि मैं खुद भी कुछ हटकर करना चाहती थी, क्योंकि एक ही तरह के रोल करके मैं तंग आ चुकी थी। इनका मजीद इस हवाले से कहना है कि खुदा और मोहब्बत में काम करने की वजह से मुझे बेहद शोहरत हासिल हुई, लोगों ने मेरे इस किरदार को बेहद पसंद किया। जी तो व्यूअर्स, आपको अदाकारा सुनीता मार्शल के बारे में जानकर कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।